हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको गोभी का पकौड़ी बनाना। ये देखिए, हमने सामग्री लिया है, चने का बेसन लिया है, हमने मार्केट का चने का बेसन यूज़ किया है। ये देखिए, हमने सामग्री लिया है लहसुन की कलियां और चार हरी मिर्च, और चावल भिगोया था हमने, 20 मिनट तक भिगो के रखा था, अच्छी तरीके से धुल के ले लिया है। इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे, चावल को ले लेंगे मिक्सी में और मिर्च मिर्च को डाल लेंगे और लहसुन को डाल लेंगे। अब इस सामग्री को हम ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमने 20 मिनट तक चावल भिगो के पहले से रखा था। ये देखिए दोस्तों, हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद देखेंगे कि हमारा चावल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है या नहीं। अगर आप चावल भिगो के 20 मिनट तक भिगोएंगे नहीं तो अच्छे से वो ग्राइंड नहीं हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है हमारा चावल। हमने जीरा भी डाला था। ये देखिए दोस्तों, अब हम बेसन में गोभी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, बेसन में डाल देंगे गोभी के पीसेस को। उसके बाद हमने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। बहुत ही आसानी से आप ये गोभी की पकौड़ी बना सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा पकौड़ी। इसके बाद हमने अदरक का पेस्ट लिया है और हमने लिया है अजवाइन। ठंडी के मौसम में गोभी का पकौड़ी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए दोस्तों, हमने जीरा लिया है। इसके बाद हम लेंगे बहुत ही आसानी से बन जाएगा पकौड़ी। ये हमने 1/2 स्पून हल्दी यूज़ किया है, ऑप्शनल है, हल्दी आप यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार आप सॉल्ट ले लीजिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी पकौड़ी। इसके बाद हमने मार्केट का राजस मसाला लिया है, उसको ले लेंगे। आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं, आपके पास जो हो वो मसाला यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद हमने बारीक कटी हरी धनिया लिया है। ठंड का मौसम चल रहा है तो पकौड़ी वगैरह सबको पसंद आती है, ऐसे में तो गोभी की पकौड़ी सब लोग को बहुत पसंद आता है। ये देखिए दोस्तों, जो हमने लहसुन, चावल और जीरा इन सबको ग्राइंड किया था, उसको ऐड कर लेंगे इसमें। अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे सारे सामग्री को। ये देखिए दोस्तों, हम इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारे बेसन में सारे जो सामग्री हो अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हल्दी डालने से क्या होता है, थोड़ा कलरिंग हो जाता है पकौड़ी। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया पकौड़ी का। अब हम कढ़ाई रख लेंगे, वहाँ कढ़ाई गर्म हो गया है। ये देखिए, हमने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को रखा है। इसके बाद हम ऑयल ले लेंगे। हमने रिफाइंड यूज़ किया है, आप सलोनी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो उपलब्ध हो आप यूज़ कर सकते हैं ऑयल। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम छोटे छोटे पकौड़ी के पीसेस डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने हाथ की सहायता से, उंगली की सहायता से छोटे छोटे पीसेस करके हमने ऑयल में डाल दिया है। हम 5-6 या 6-7 पकौड़े डाल सकते हैं, जिस तरह जितना हमारा ऑयल हो उसके हिसाब से हम कढ़ाई में पकौड़े डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकौड़े को पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पकौड़ी है एक साइड में एकदम पक गया है, अच्छी तरीके से हमने पका लिया है। ध्यान रहे दोस्तों, पकौड़ी जले ना, मीडियम फ्लेम पे पकौड़ी को तलिएगा। दूसरे एक साइड में हमारा पकौड़ी जो है पक गया है, तो हम दूसरे साइड पलट लेंगे।
ये बहुत ही टेस्टी पकौड़ी लगेगी खाने में, और बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी भी गेस्ट के लिए, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है पकौड़ी, खासकर गोभी की पकौड़ी तो सबको पसंद आती है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ी जो है बस तैयार होने ही वाला है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो पकौड़ी है वो अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने थाली में निकाल दिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी क्या होता है, चावल का जो पेस्ट होता है उसको डालने से हमारा जो पकौड़ी है वो बहुत ही क्रिस्पी होता है, कुरकुरा होता है खाने में। इसीलिए हम चावल को ग्राइंड करके लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे पकौड़ी को निकाल लिया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है हमारा पकौड़ी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। आप चावल ग्राइंड करके डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। क्रिस्पी पकौड़ी चाहिए तो आप चावल ग्राइंड करके उसको भिगो के पहले से 20 मिनट तक तैयार करके डाल दीजिएगा। ये देखिए, हमने चटनी के लिए सामग्री लिया है, अदरक है और लहसुन की कली है, धनिया है, टमाटर है, मिर्चा और सॉल्ट है। उसको हम जार में ले लेंगे। अब टमाटर को पहले ले लेंगे, उसके बाद लहसुन की कलियां ले लेंगे। हमने 4 लहसुन की कलियां यूज़ किए हैं। ये देखिए, हमने 2 बड़े साइज की हरी मिर्च यूज़ किया है। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं अदरक का, उसको भी ले लिया है। इसके बाद धनिया ले लेंगे, हरी धनिया। सारी सामग्री को जार में डाल देंगे। अपने टेस्ट के अनुसार हम सॉल्ट यूज़ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ने जार में ले लिया है सारा सामग्री। इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी तरीके से बन जाती है चटनी, और पकौड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए दोस्तों, हमने ग्राइंड कर लिया है। 2-3 मिनट तक ग्राइंड करेंगे, बहुत ही जल्दी चटनी तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमारा चटनी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, कि हमारा जो है गोभी का पकौड़ी बनके तैयार है दोस्तों।